हेलो डियर फ्रेंड्स, हम सभी ने सुबह एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था। उस लेक्चर में कानून क्या है उसको हमने आसान भाषा में समझा, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लॉ। टुडेज़ लेक्चर इज़ रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी कानून के प्रकार, कितने प्रकार का कानून होता है। सामान्यतः एक कोई भी लेमैन होता है, विधि विद्यार्थी तो छोड़िए, एक आमन आदमी जो होता है वो कानून के प्रकार नहीं समझ पाता है कि कितने प्रकार के हमारे देश में कानून है। आज का वीडियो लेक्चर इसी से संबंधित है कि कानून कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम कानून को वापस से एक रिवाइज करें कि कानून क्या था, कि रिकॉग्नाइज्ड रूल्स बाय द स्टेट, यानी जो गवर्नमेंट है, जो राज्य है, वो राज्य किसी रूल को, किसी नियम को जब वो रिकॉग्नाइज कर देता है, यानी उस नियम को मान्यता प्रदान कर देता है कि इस नियम का पालन करना प्रजा के लिए जरूरी है, उसको कानून कहा जाता है। ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था। अब हम आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि कानून कितने प्रकार का होता है। आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि व्यक्ति का नेचर होता है, एज वी नो दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग इन द सोसाइटी। हर व्यक्ति, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में आप देखिए, हर व्यक्ति का, आपके दोस्त का एक नेचर होता है। कोई दोस्त गुस्सेल दिखेगा आपको, कोई दोस्त जो है बड़ा जॉली नेचर का दिखेगा, कोई बड़ा फ्रैंक होता है, कोई बहुत शाय नेचर का होता है। आपने देखा है कि हर जो लोग हैं समाज में, वो अलग अलग प्रकार के, उनका नेचर डिफरेंट होता है। ठीक उसी प्रकार कानून भी इसी प्रकार के होते हैं। कानून का नेचर अलग अलग होता है और उसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। कानून को तीन पी में क्लासीफाई कर सकते हैं। व्हाट आर दिस थ्री पी, ये तीन पी क्या है? तीन पी में पहला पी है पी फॉर पब्लिक, जिसको हम बोलते हैं लोक विधि। पी फॉर पब्लिक, पब्लिक लोक विधि, पब्लिक नाम से स्पष्ट हो रहा है, पब्लिक लॉ। ऐसे लॉ जो सभी के ऊपर लागू होते हैं, बिना किसी भेदभाव के सबके ऊपर लागू होने वाले कानून को पब्लिक लॉ कहा जाता है, लोक विधि। दूसरा पी होता है प्राइवेट लॉ, प्राइवेट। सेकंड पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट। सो प्राइवेट विधि वह विधि होती है जिसको व्यक्तिगत विधि कहा जाता है। व्यक्तिगत मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्राइवेट मतलब दो लोगों के बीच का कानून। और तीसरा पी जो है दैट स्टैंड्स फॉर पर्सनल लॉ। इसी पर्सनल लॉ को रिलीजियस लॉ भी बोला जाता है। रिलीजियस मतलब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो किसी एक धर्म विशेष पर लागू होता है। अब हम पहले लॉ को डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको कहा पब्लिक लॉ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पब्लिक लॉ जिसको हम लोक विधि बोलते हैं, ये सबके ऊपर लागू होता है। हर धर्म के व्यक्ति के ऊपर, हर जाति के व्यक्ति के ऊपर लागू होगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये कानून मेरे ऊपर लागू नहीं है। इस पब्लिक लॉ में पहले टॉप मोस्ट पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान, देश का संविधान। आप बताइए, पूरे भारत में देश का जो संविधान है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि देश का संविधान की यह धारा मेरे ऊपर लागू नहीं होती है? देश का संविधान कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी के ऊपर लागू है। हर राज्य में रहने वाला व्यक्ति, भले वो यूनियन टेरिटरी में रह रहा है, राज्य में रह रहा है, हर व्यक्ति के ऊपर वो कानून लागू है। इसलिए इसका नाम है पब्लिक लॉ। तो पब्लिक लॉ में पहला लॉ हम लोगों ने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पब्लिक लॉ। सेकेंड लॉ इज पीनल लॉ, सेकेंड पब्लिक लॉ इज पीनल। पीनल मतलब दांडिक कानून, नाम से स्पष्ट हो रहा है पीनल। सच लॉ विच प्रोवाइड्स पनिशमेंट, ऐसे कानून जो दंड लगाते हैं उन्हें पीनल लॉ कहा जाता है। आईपीसी, मोटर व्हीकल एक्ट, आर्म्स एक्ट, जितने भी दंड लगाने वाले कानून हैं उन्हें पीनल लॉ बोलते हैं। और पीनल लॉ भी सभी के ऊपर लागू होता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की तो मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, यानी मैं इस धर्म का व्यक्ति हूँ तो मेरे ऊपर ये अपराध लागू नहीं होता है। हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, उसे पीनल लॉ कहा जाता है। ये भी पब्लिक लॉ में आता है। तीसरा पब्लिक लॉ हम डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यू नो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक एजेंसी होती है, कलेक्टर, एसपी, पुलिस, ये लोग क्या करते हैं, कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो कानून लागू होता है, उन कानूनों को क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और ये भी पब्लिक लॉ है, ये भी हर व्यक्ति के ऊपर लागू होने वाला कानून है। अब हम दूसरे पी की तरफ जाते हैं और दूसरा पी बात करता है प्राइवेट लॉ। नाम से स्पष्ट है प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ वो लॉ जो किसी दो लोगों के बीच में लागू होता है। जैसे आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है। यदि कोई व्यक्ति मकान में रहता है तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मान लीजिए मकान मालिक और किराएदार ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और मान लीजिए कि किराएदार उस कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो केस कौन लगाएगा? टेनेंट लगा सकता है। टेनेंट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो मकान मालिक लगा सकता है। क्या कोई नेबर या कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति दोनों के बीच में जा सकता है? दोनों के बीच में वो इन्फोर्स नहीं करवा सकता। इसीलिए इस लॉ का नाम है प्राइवेट लॉ। तो प्राइवेट लॉ में कौन सा आ गया? सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस की कि कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब प्राइवेट लॉ में आते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं टॉर्ट। आप लोगों ने शब्द, कई लोगों ने शब्द नहीं सुना होगा जिसको हम दुष्कृति बोलते हैं, टॉर्ट। यानी सिंपल भाषा में ये कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान कर देता है लापरवाही की वजह से, तो दूसरे व्यक्ति को कॉम्पनसेशन पाने का अधिकार है। कॉम्पनसेशन को हम क्षतिपूर्ति या मुआवजा बोलते हैं। सपोज मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी की कोई कांस तोड़ दिए,
ना बाय मिस्टेक तोड़ दिए, तो ऐसी स्थिति में मिस्टर बी जो है वो कॉम्पनसेशन प्राप्त कर सकता है मिस्टर ए से। तो ये जो कॉम्पनसेशन प्राप्त करने वाला कानून है इसे अपकृत्य विधि अथवा टॉर्ट कहा जाता है, और ये भी प्राइवेट लॉ में आता है, इट इज़ नॉट कम अंडर द पब्लिक लॉ। एंड थर्ड वन इज द लेबर लॉ। यू नो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, बहुत सारे लेबर लॉज फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज पर लागू होते हैं। तो ये जो कारखाने और उद्योगों पर जो कानून लागू होते हैं उसमें दो पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार कौन है? एक पक्षकार है कारखाने में नियोक्ता, जिसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं, और एक होता है एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो लॉ है इट इज़ ऑल्सो कम अंडर दी प्राइवेट लॉ। मान लीजिए कि मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप एम्प्लॉई हो, मैंने आपकी सैलरी या रेमुनरेशन नहीं दिया है, तो केस लगाने का अधिकार सिर्फ आपको है, कोई थर्ड पार्टी केस नहीं लगाएगा। यानी जिसके अधिकार प्रभावित होते हैं वही केस लगा सकता है, ऐसे कानूनों को प्राइवेट विधि कहा जाता है। तीसरे नंबर पर हम लास्ट पी की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट पी होता है पर्सनल लॉ। नाम से स्पष्ट है पर्सनल को व्यक्तिक विधि कहा जाता है, इसको धार्मिक विधि भी बोलते हैं, और ये किसी धर्म विशेष पर लागू होती है। तो सबसे पहले ये जो पर्सनल लॉ है इसमें आता है हिंदू लॉ। हम सभी ने कुछ नाम सुने होंगे, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये कौन से कानून है? ये मुस्लिम क्रिश्चियन इनके ऊपर लागू नहीं होने वाले हैं, जो हिंदू धर्म अपनाता है उन्हीं के ऊपर ये लागू होता है, इसको हिंदू लॉ कहा जाता है और ये पर्सनल लॉ में आता है। मुस्लिम लॉ, बहुत सारे शरीयत एक्ट होते हैं, आप लोगों ने शरीयत एक्ट सुना है, वक्फ सुना होगा, जो मुस्लिम्स एक्ट में लागू होते हैं, तलाक के जो नियम हैं वो मुस्लिम में लागू होते हैं और वो उनके अपने कानून से लागू होते हैं, उनको मुस्लिम लॉ कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कानून को एक समराइज कर सकते हैं कि कानून के जो प्रकार हैं वो उसकी नेचर के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से कानून अलग अलग प्रकार का होता है, और ब्रॉडली हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। वन पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक, सेकंड पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट, एंड थर्ड पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल। थैंक यू वेरी मच।